अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सारा मॉम्स किचन। आज की रेसिपी है फलियां और कीमा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको पहले पहुंच सके। आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो है कीमा फलियां। इसमें ये है कि जो फलियाँ हैं लोग ये बनी बनाई भी लेते हैं। बनी बनाई अगर आप लेंगे तो फ्रेश लीजिएगा। वैसे मुझे भी काफ़ी अर्सा हो गया, मैं भी बाज़ार से ताज़ी फ्रेश बनी बनाई लेती हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि मैं इसको बनाऊँ। लेकिन जब आप बनाते हैं खुद ला के तो उसको आपने ये करना है कि इसको जब आपने काटना है ना तो आपने पंखे के नीचे नहीं काटना। अगर आप पंखे के नीचे बैठे हुए हैं तो क्योंकि ये पंखे के नीचे ड्राई हो जाती है और ये बहुत हार्ड हो जाती है, बिल्कुल पेपर की तरह हो जाती है जो ग्रीन होती है, और ये दाने भी खुशक होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि इसमें नमी ही की वजह से ये सेफ रहती हैं। इसको आपने ऐसे करना है कि जब आप कटिंग करें और जो हार्ड वाले उनके दाने निकालें जो नरम है उनको आप कट करके तो आप पानी में डिप कर दें। आधा घंटे इनको पानी में डिबो के रखें तो ये बिल्कुल फ्रेश और नरम हो जाएंगी इस तरह। तो हमने अब हाफ के जी फलियाँ और 250 ग्राम कीमे, अगर हम मेजरमेंट कप से करते हैं तो एक कप कीमे और दो कप फलियाँ, ठीक है। हाफ के जी फलियाँ, 250 ग्राम कीमा, एक प्याज, एक मीडियम साइज का टमाटर, हाफ कप ऑयल, हाफ कप दही या 6 टेबलस्पून दही है, 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी और 1.5 टीस्पून जो है वो हमारा सूखा धनिया पिसा हुआ जाएगा और 1/2 टीस्पून जो है वो गर्म मसाला जाएगा। ये बहुत मज़े की डिश है। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑयल, बिस्मिल्लाह, ऑयल हमारा थोड़ा सा गर्म हो ले। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम प्याज डालते हैं इसमें। प्याज थोड़े से मीडियम ब्राउन हो जाए। ये प्याज हमारे जो हैं ये मीडियम ब्राउन हो गए हैं, इससे ज़्यादा आपने ब्राउन नहीं करने। इसमें हम लहसुन अदरक डाल देते हैं, इसको 1 मिनट के लिए हम भूनेंगे। कीमा हमारा जो है हमने 5 मिनट इसको भूना है, 5 से 10 मिनट। जब इसका कलर ऐसा हो जाए और इसमें से पानी जो है इसका ये ड्राई हो जाए तो फिर हम इसमें मसाले डालेंगे। सुरख मिर्च, नमक, हल्दी और टमाटर। अब हम इसको 10 मिनट तक भूनेंगे ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और टमाटर हमारे नरम हो जाए। 10 मिनट हमने कीमा भूना है, हमारे टमाटर मिक्स हो गए हैं, ऑयल आ बाहर निकला है। अब हम इसमें फलियां डालते हैं। इसमें ये फलियां कीमा हमने मिक्स कर लिए, अब इसमें हम ये दही ऐड करेंगे 1/2 कप और 1/2 कप जो है हम इसमें पानी डाल देंगे और इसको 20 मिनट के लिए हल्की आंच पे रख देंगे। 20 मिनट हो चुके हैं और ये हमारी फलियाँ जो हैं वो गल गई हैं। अब आपने इसमें सूखा धनिया और गरम मसाला डाल के इसको इतना भूनना है कि इसमें से पानी जो है ना वो बिल्कुल खुशक हो जाए। और हम इसको अच्छी तरह से भून रहे हैं ताकि इसमें से ये जो पानी है ये बिल्कुल खुशक हो जाए और ऑयल बाहर आ जाए। इसको भूनते हुए आपका नमक मिर्च आप इसकी चेक कर लें, अगर आपको मिर्चें कम लगती है, जितनी आपको दिल चाहता है आप इसमें हरी मिर्च या काली मिर्च डाल सकते हैं और नमक भी अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं इसमें थोड़ा सा। तो मेरे लिहाज से तो ये मिर्च बिल्कुल ठीक है क्योंकि हम लोग कम मिर्च खाते हैं। तो बस अब ये तकरीबन तैयार हो गई है, अभी हम इसको डिश आउट करते हैं। ये डिश हमारी तैयार हो गई है और आप इसको बनाएँ, ट्राई करें, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए कि ये कैसी बनी है। तो आप इसको ट्राई किया कीजिए क्योंकि बच्चियों को ये चीज़, कुछ बच्ची हैं जिनको बनानी भी नहीं आती है बिल्कुल भी, तो लिहाजा आप ये बनाएं। मैरिनेशन बिल्कुल नमक मिर्च A1 मेरे लिहाज से बिल्कुल ठीक है। आपको कम लगे आप हरी मिर्च डालें, काली मिर्च डालें। और जब भी आप ये खुशक सब्ज़ी बनाएं तो उसके साथ जो रायता है वो बहुत मज़े का लगता है और उसमें बहुत सॉफ्टनेस, एक क्रीमी सा टेक्स्चर आता है उस सब्ज़ी में जब आप दही और रायते के साथ इसको खाते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।